नमस्कार, मैं अमित झा सिम्बायोसिस आईटीआई कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज की वीडियो में जानते हैं आगे क्या टॉपिक के बारे में, खराद मशीन के बारे में। जैसे हमारा ये टॉपिक चल रहा है अभी और ये उसकी अगली वीडियो है, तो आज हम जिस पार्ट्स के बारे में जानने जा रहे हैं वो पार्ट्स है ये पीछे का जो आप देख रहे हैं, इस फिगर में देख रहे हैं, ये पीछे मैं आप लोगों को इंडिकेटर करके दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं टेल स्टॉक। आज हम इस पार्ट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका मटेरियल कौन सा होता है, कितने प्रकार से इससे काम किया जाता है। तो आइए इसके बारे में हम आगे जानते हैं टेल स्टॉक क्या है। टेल स्टॉक क्या है, अब मैं आप लोगों को थ्योरिकल इसमें बताऊंगा कि टेल स्टॉक क्या होता है और इसमें क्या क्या एसेसरीज होती हैं और उनका काम क्या होता है। ध्यान से सुने, टेल स्टॉक यह लेथ मशीन के बेड पर दाईं तरफ फिट होता है, दाईं तरफ फिट होता है, जहां ऑपरेटर खड़ा होता है वहां से बाईं ओर हेड स्टॉक होता है और दाईं ओर इसमें टेल स्टॉक होता है। यह वेड वे, आपको मैंने बताया था कि तीन प्रकार के वेड होते हैं, जैसे वी वेड, कॉम्बिनेशन वेड और फ्लैट बेड। उन बेडों पे जो भी बेड है जैसे और फ्लैट बेड वगैरह जो भी हैं, उन पर जो वे कटे हुए होते हैं, तो यह बेड वे पर कहीं भी आगे पीछे खिसका कर सेट किया जा सकता है। मतलब ये उनके बेड के ऊपर इसको मूवमेंट किया जाता है। इसे लूज हेड स्टॉक भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम जो है इसको लूज हेड स्टॉक भी कहते हैं। यह मुख्यतः दो भागों में बना होता है, इसकी जो बॉडी बनी होती है वो दो भागों में बनी होती है, एक होती है लोअर बॉडी, एक होती है अपर बॉडी। अपर बॉडी और लोअर बॉडी, इसकी बॉडी ढलवे लोहे की बनाई जाती है, जो इसको बनाने का जो मटेरियल होता है वो होता है ढलवा लोहा। आधार प्लेट जो इसमें नीचे से जो इसको क्लैंप करती है, वो आधार प्लेट भी इसकी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। मैंने आपको 3D प्रोजेक्शन में ये दिखाने की कोशिश की है कि ये ऊपर वाली बॉडी है और ये नीचे वाली बॉडी है लोअर बॉडी। इसको आधार प्लेट के द्वारा, इसमें नट के द्वारा इसको बेड वे पर चलाया जाता है। ये आपके इसके अंदर जितना भी मैकेनिज्म लगा हुआ है, अभी हम आगे इसके बारे में भी जानेंगे कि कौन सा मैकेनिज्म क्या होता है और क्यों काम आता है। आइए आगे जानते हैं, इसकी थ्योरी में और आगे चलते हैं। ऑफसेट सेटिंग के लिए इसमें एडजस्टिंग स्क्रू लगे होते हैं। ऑफसेट सेटिंग का मतलब है कि जब किसी लंबी दूरी के टेपर को हमें काटना है, तो हेड स्टॉक में जो जॉब हमने पकड़ रखा है, मान लो कोई साफ्ट हमने लेथ मशीन पर बांध रखी है, हेड स्टॉक में फोर्जा चक में हमने उसको पकड़ रखा है, और दूसरी साइड से अगर उसकी लंबाई ज़्यादा है तो दूसरी साइड से हम टेल स्टॉक के द्वारा अगर उसमें सहारा देते हैं, तो सहारा देने का कारण सिर्फ ये होता है कि वो वाइब्रेशन ना करे और उसकी जो लेंथ, जो लंबाई जो उसकी है वो उसको मेंटेन रखे और वाइब्रेशन ना करे टूल के द्वारा कटिंग करते समय। तो जब हमें टेपर लंबी दूरी में काटना है तो ऑफसेट सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑफसेट सेटिंग के लिए दे रखा है स्क्रू लगे होते हैं। स्क्रू यानी कि आप देखेंगे, एक तो ऑपरेटर की साइड पर एक स्क्रू लगा होता है और एक उसके जस्ट अपोजिट यानी दूसरी साइड पर एक स्क्रू और लगा होता है। वे दोनों स्क्रू लोअर बॉडी और अपर बॉडी को एडजस्ट करते हैं, यानी कि उसको खिसक जाते हैं। जैसे हम स्क्रू को एडजस्ट करेंगे तो वो लोअर बॉडी और अपर बॉडी आपस में एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करती है। हाँ, और बॉडी के ऊपर जीरो लाइन का निशान अंकित होता है। मतलब कि जब टेल स्टॉक हमारी जीरो पोजीशन में है तो उस पर जीरो का निशान बना हुआ होता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि अभी यह ऑफसेट पोजीशन में नहीं है, और जितना भी हमें उसको ऑफसेट करना है उसको हम स्टील रूल से नाप भी सकते हैं। कई टेल स्टॉक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ग्रेजुएशन बनी होती है तो हम साधारण तरीके से देख कर समझ जाते हैं, लेकिन कुछ टेल स्टॉक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ग्रेजुएशन नहीं बनी होती है तो हमें उसको स्केल स्टील रूल की सहायता से नापना होता है। टेल स्टॉक की बॉडी का ऊपर का भाग अंदर से खोखला होता है। जैसे अभी मैंने 3D प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताया, वो ऊपर वाला जो हिस्सा मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर कई पार्ट लगे हुए हैं, वो वाला हिस्सा जो होता है वो खोखला होता है। इस भाग में एक बैरल, अब इस भाग के अंदर क्या क्या होता है ये मैं आपको थ्योरी में इधर आपको बता रहा हूँ, एक बैरल या स्लीप फिट होता है। अब ये बैरल या स्लीप क्या होते हैं ये मैं अभी आपको आगे चित्र में बताऊंगा, इसको ध्यान से सुने। स्लीप के पीछे सिरे पर एक बुश लगा होता है, बुश
लगा होता है जो नट का भी कार्य करता है। इसके अंदर एक चूड़ीदार स्पैंडल होता है और बुश में अंदरूनी चूड़ी कटी होती हैं जिससे स्पैंडल घूमता है तथा स्पैंडल के एक सिरे पर मोर्स टेपर कटा होता है जिसमें डेड सेंटर या रिवॉल्विंग सेंटर फिट किया जाता है। अभी ये जो मैं आप लोगों को जितने मैंने ये चीज़ें बताई हैं ये मैंने आपको बताया कि स्पैंडल के अंदर जो खोखला भाग होता है उसके अंदर क्या क्या लगा होता है और वो क्या काम करता है। आइए आगे जानते हैं टेल स्टॉक के भागों के बारे में। अभी हमने भागों के बारे में पढ़ा था, अब हम उनको देखेंगे और समझेंगे। ये टेल स्टॉक का चित्र है जो कि आप देख रहे हैं, जो खोखला भाग होता है वो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये एक सेक्शन प्रोजेक्शन टाइप का मैंने ये एक चित्र लिया है, इसमें सेक्शनिंग करके दिखा रखा है जो कि अंदर क्या क्या होता है उसमें यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसको सेक्शन करके बताया गया है, ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग सेक्शनिंग कहलाएगा। ये आगे हम इसमें जानते हैं इसके भागों के बारे में। तो सबसे पहले है बॉडी। तो बॉडी आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा ये बना हुआ है, मैंने आपको अभी बताया था कि ढलवा लोहा का ये बनता है, तो इसकी जो ये पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, आप कर्सर पे ध्यान दें, ये पूरी बॉडी इसकी काय की बनाई जाती है, ढलवा लोहे की, और ये इसकी जो बनाने इसकी जो बनावट है इसको हम बॉडी कहते हैं। बैरल या स्लीव। अब बैरल या स्लीव आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो खोखला भाग होता है जो इसके अंदर ये मैकेनिज्म सारा लगा हुआ है और ये यहाँ से यहाँ तक ये खोखला भाग जो दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं बैरल या स्लीव। अब तीसरा नंबर है स्पैंडल। स्पैंडल हम बोलेंगे इसको जो ये इसमें ये स्पैंडल जो मूवमेंट करता है, आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर ये कर्सर देख रहे हैं, जो खाली जगह पर मैं कर्सर रखे हुए हूँ ये स्पैंडल कहलाता है। अब दिखाता हूँ फोर नंबर पे है हमारा कॉलर। कॉलर आप यहाँ देख सकते हैं, ये खाली हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, कर्सर पे ध्यान दें, ये खाली हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये हमारा ये यहाँ से ये कॉलर कहलाती है। कॉलर यानी कि यहाँ पर ये ढलाई किया हुआ है लेकिन ये वाला हिस्सा खोखला है। अब ये कॉलर इसको इस बुश को यहाँ पर ये कॉलर के जरिए इसको होल्ड कर देती है जिससे कि ये बाहर ना निकल जाए। तो ये जो स्टेप जो बनाई गई है इसकी, इसको हम बोलेंगे कॉलर। आगे है बुश। तो अब आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि जो कॉलर है, कॉलर के बाद में ये बुश लगा हुआ है जो बुश इसके अंदर होल्ड है और स्पैंडल का जो लीड स्क्रू का जो पीछे का हिस्सा है वो इसमें हैंडल बार कसा जाता है और ये इसके अंदर से मूवमेंट करता है, ये इस बुश के अंदर से बाहर ये कॉलर लगा है जो कि इसको बाहर नहीं निकलने देता है, यहाँ पर स्टे करके रखता है। अगला नंबर जो है बैक प्लेट। अब बैक प्लेट क्या होता है, जैसे कि जो मैकेनिज्म हमने यहाँ पर जो फिट किया है तो बैक प्लेट पे यहाँ पर ये S1 और S2 यानी कि जो यहाँ पे जो एक प्लेट लगाई जाती है उसमें नट के द्वारा से यहाँ पर और यहाँ पर उसको नट लगा के कस दिया जाता है जिससे ये मैकेनिज्म सारा पैक हो जाए यहाँ पर। आगे देखते हैं हैंड व्हील जो कि हाथ से घुमाने के लिए ये स्पैंडल आगे पीछे निकलता है और मूवमेंट करता है, ये हैंड व्हील के जरिए करता है, ये पीछे जो लगा हुआ है इसको हम हैंड व्हील कहते हैं, देख सकते हैं आप कर्सर के द्वारा, इसको हम हैंड व्हील कहते हैं। आगे आते हैं क्लैंपिंग हैंडल यानी कि ये आप देख सकते हैं कर्सर में क्लैंपिंग हैंडल का काम होता है जब जैसे कि हमने स्पैंडल को आगे या पीछे हमें जहाँ पर भी करना है और स्पैंडल मूवमेंट ना करे या स्पैंडल को हमें लॉक करना है तो हम इस हैंडल का इस्तेमाल करते हैं इस स्पैंडल को लॉक करने के लिए। क्लैंपिंग यूनिट जैसे क्लैंप प्लेट नट और बोल्ट, ये सारा यूनिट जो लगा हुआ है ये इधर नीचे की साइड पर आप कर्सर पर ध्यान दें, ये लेथ मशीन के बेड पर ये यहाँ पर बेड दिखा रखा है, बेड के ऊपर ये लोअर बॉडी है, ये अपर बॉडी है, लोअर बॉडी और अपर बॉडी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अपर बॉडी है, ये लोअर बॉडी है, ये नट और बोल्ट की सहायता से यहाँ पर क्लैंप कर दिया गया है। आपको ये डॉटेड करके दिखाया गया है क्योंकि ये फ्रंट से नहीं दिखाई देगा, डॉटेड करके इसलिए दिखाया है कि इसके अंदर पर ये ऐसे इस तरीके से ये नट ऊपर तक गया हुआ है, ये बेड होता है, यहाँ पर एक ये नट लगी ये प्लेट लगी हुई है, इसको बोलते हैं क्लैंप प्लेट।
ये प्लेट लगी है, ये नट और बोल्ट की सहायता से यहाँ पर ये टाइट हो जाती है और इसके द्वारा हम टेल स्टॉक को किसी भी एक स्थान पर फिक्स कर सकते हैं। बेस प्लेट, बेस प्लेट, अब आप समझ सकते हैं बेस प्लेट यानी कि इससे ये बेड के ऊपर जो ये बेस बना हुआ है इसको जो जिसे हम लोअर बॉडी भी कहते हैं, ये हमारा बेस प्लेट का काम करती है जो कि इस बेड के ऊपर स्टे करती है। सेट ओवर स्क्रू, सेट ओवर स्क्रू यानी कि आप देख रहे हैं ये एक बिंदी टाइप की एक काला सा निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेशन किया गया है, स्क्रू बताया गया है इसको। यहाँ पर एक नट लगा होता है और एक नट यहाँ पीछे की साइड पर लगा होता है, ये दोनों नटों का काम होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट मेथड जो होती है, ऑफसेट करें टेल स्टॉक को जब ऑफसेट करते हैं यानी कि लंबी दूरी की टेपर काटने के लिए जब ऑफसेट किया जाता है तो इस स्क्रू को टाइट या लूज करके इसके द्वारा इसका टेपर सेट भी किया जाता है, तो ये उसके लिए इन नटों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको बोलते हैं टेल स्टॉक सेट ओवर स्क्रू, सेट ओवर स्क्रू, इन स्क्रूओं का इस्तेमाल हम करते हैं। तो अब आप लोगों ने टेल स्टॉक के बारे में यहाँ पर जाना है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, जैसे कि इसमें हम ये देख रहे हैं आगे की साइड पर ये जो सेंटर लगा हुआ है इसको बोलते हैं डेड सेंटर, और ये सेंटर पे आप देख रहे होंगे कि इसका आगे का भाग थोड़ा चौड़ा है और पीछे का हिस्सा थोड़ा सकरा है, तो ये स्पैंडल के अंदर ये एक मोर स्टेपर कटा हुआ होता है और इस मोर स्टेपर कटा होता है जिससे ये इसमें आसानी से बिना कसे या बिना थ्रेड के भी ये इसमें आराम से फंसाया जा सकता है और इसका इस पे किसी भी मटेरियल या किसी शाफ्ट को सहारा दिया जा सकता है इस पॉइंट के जरिए। और ये जो डेड सेंटर या रिवॉल्विंग सेंटर जो भी होते हैं इनके ऊपर भी मोर स्टेपर होता है, जब हम इसको करते हैं ये पुश फिट होता है, पुश फिट हो जाता है जिससे ये आसानी से इसमें फिट भी हो जाता है और आसानी से निकल भी जाता है। आप देख रहे हैं ये थ्रेड नुमा, ये आपको यहाँ पर एक लंबी सी ये रॉड दिखाई दे रही है, कर्सर पर ध्यान दें, ये लंबी सी रॉड इसको बोलते हैं लीड स्क्रू, इसमें स्क्वायर थ्रेड या एक्मे थ्रेड दोनों ही तरीके की थ्रेडें आती हैं, तो इसमें ये थ्रेडें कटी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि अगर स्क्रू ये लगा हुआ है तो इसका सेकंड पार्ट जैसे नट और बोल्ट होते हैं तो दोनों ही पार्ट होना चाहिए, तो दूसरा पार्ट इसका ये है, आप कर्सर पर ध्यान दें, ये यहाँ पर एक बुश लगा हुआ है जिसके अंदर भी ऐसी ही थ्रेड कटी हुई है, इस बुश के जरिए ये लीड स्क्रू आगे पीछे काम करता है, मतलब स्पैंडल को आगे पीछे करने का काम ये लीड स्क्रू और ये बुश करता है। आप लोगों ने इसके बारे में जाना, तो कोई भी तरीके की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।